नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। श्री रामलला तीर्थ अयोध्या धाम दर्शन यात्रा वाहन को डिप्टी कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए यात्रा के प्रभारी उप जिलाधीश विश्वास कुमार ने बताया कि सक्ती जिले से 36 दर्शनार्थी एवं एक नोडल अधिकारी सहित कुल 37 लोग आज अयोध्या धाम के लिए बस से बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां से विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन से दर्शनार्थी अयोध्या धाम के त्रिदिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर, उच्च न्यायालय अधिवक्ता चित्रंजय पटेल, अनुप अग्रवाल, अमन डालमिया, राम नरेश यादव आदि के साथ मीडिया के लोग एवं यात्रियों के परिजन उपस्थित रहे। इन पलों में युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋषभ राठौर ने तीर्थ यात्रियों को मंगल तिलक लगाकर अभिनंदन किया, तो वहीं अधिवक्ता चित्रंजय पटेल ने यात्रियों को पुष्प भेंट कर तीर्थ यात्रा के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महत्वाकांक्षी तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग श्री रामलला तीर्थ धाम का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो शासन का सराहनीय पहल है। साथ ही अधिवक्ता पटेल ने सरकार से आग्रह किया है कि यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए जिले में तीर्थ यात्री आरक्षण संख्या 37 से बढ़ाकर 100 किया जाए। आज तीर्थ यात्रियों ने कहा कि हम अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन पूजन कर संपूर्ण प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना श्री रामलला दर्शन योजना अयोध्या धाम के तहत बिलासपुर संभाग से ये चौथा चरण है, जिसमें कुल 850 यात्री संभाग स्तर से जाएंगे। इसमें शक्ति को जो है लक्ष्य 37 मिला हुआ है, 37 दर्शनार्थियों का। आज ये दल शक्ति जिले के कचहरी चौक से रवाना किया गया। इसमें कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जिले से फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। कुल 105 फॉर्म प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 37 दर्शनार्थियों को यह योजना का लाभ आज मिल रहा है। श्री राम लला तीर्थ दर्शन योजना विष्णु सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जैसा कि बताया, शक्ति जिले से मात्र 36 दर्शनार्थियों को अवसर मिल रहा है, जबकि 105 लोगों ने आवेदन किया था। निश्चित ही इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है और लोग अधिक संख्या में आवेदन कर रहे हैं। इस बार हम लोग सरकार से उच्च स्तर पर निवेदन करेंगे कि यहाँ का भी कोटा कम से कम 100 दर्शनार्थियों को अयोध्या भेजने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसका लाभ जनता अधिक से अधिक उठाना चाहती है और इसे विष्णु सरकार की इस योजना का लाभ अधिकांश लोग मिले, ये हमारी इच्छा है।